भाइयों और बहनों, ये परिवार चलित, परिवारवादी, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब यहां अंग्रेज सल्तनत भी नहीं आई थी। राम मंदिर का संघर्ष 500 साल पुराना है, जब कोई चुनाव का नामो निशान नहीं था, जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े तो भारत के लोगों ने अपने धर्म स्थलों को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। वर्षों तक लोगों ने अपनी ही आस्था के लिए क्या क्या नहीं झेला। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, लेकिन जब रामलला के टेंट बदलने की बात आती थी, टेंट पर जो टाट पत्री वो बदलने की बात आती थी तो लोग मुंह फेर लेते थे, अदालतों की धमकियां देते थे। बारिश में रामलला का टेंट टपकता रहता था और रामलला के भक्त टेंट बदलवाने के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहते थे। ये उन करोड़ों अरबों लोगों की आस्था पर आघात था जो राम को अपना आराध्य कहते हैं। और हमने इन्हीं लोगों से कहा कि एक दिन आएगा जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। और तीन बातें कभी भूल नहीं सकते। एक, 500 साल के अविरत संघर्ष के बाद यह हुआ है। आप सहमत हैं? 500 साल के अविरत संघर्ष के बाद हुआ है, आप सहमत हैं? दूसरा, पूरी न्यायिक प्रक्रिया की कसौटी से कस करके, न्याय के तराजू से तोल करके, अदालत के निर्णय से ये काम हुआ है, सहमत है? तीसरा, ये भव्य राम मंदिर सरकारी खजाने से नहीं, देश के कोटि कोटि नागरिकों ने पाई पाई दान देकर बनाया है, सहमत है? जब उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो भी पाप किए थे,
जो भी रुकावटें डाली थी, उनके साथियों ने जो भी रुकावटें डाली थी, सबको माफ करके राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो खुद कांग्रेस वालों के घर गए, इंडी गठबंधन वालों के घर गए, उनके पुराने पापों को माफ कर दिया और उन्होंने कहा राम आपके भी हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा में जरूर पधारिए, सम्मान के साथ बुलाया। लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। कोई बताए वो कौन सा चुनावी कारनामा था जिसके दबाव में आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया? वो कौन सी चुनावी खेल था कि आपने प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र कार्य को ठुकरा दिया? ये कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले जो इसे चुनाव का मुद्दा कहते हैं, उनके लिए चुनावी मुद्दा था, देश के लिए ये श्रद्धा का मुद्दा था, ये धैर्य की विजय का मुद्दा था, ये आस्था और विश्वास का मुद्दा था, ये 500 वर्ष की तपस्या का मुद्दा था। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने अपनी सरकार के समय दिन रात जब इसका विरोध किया, तब ये किस चुनाव का मुद्दे के तहत आप कर रहे थे? लेकिन आप राम भक्तों की आस्था देखिए, मंदिर बना तो ये लोग इंडी गठबंधन वालों के घर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण देने के लिए खुद गए। जिस क्षण के लिए करोड़ों करोड़ों देशवासी ने इंतजार कर रहे थे, आप बुलाने पर उसकी तरफ देखने नहीं गए। पूरी दुनिया के राम भक्तों ने आपके इस अहंकार को देखा है, आपकी चुनावी मंशा को देखा है। ये चुनावी मंशा थी कि आपने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, आपके लिए चुनाव का खेल है। ये किस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति थी? भगवान राम को काल्पनिक कहकर कांग्रेस किस वोट बैंक को खुश करना चाहती थी?